नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पौरुष शर्मा और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के उस विमान की, AN-32 अगर मैं नाम लूँ तो, उस विमान की जो पिछले काफ़ी दिनों से मिसिंग है और जिसको सर्च ऑपरेशंस भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे सर्च ऑपरेशंस शुरू हुए लेकिन बार बार सर्च ऑपरेशंस बंद कर दिए जाते हैं। इनफैक्ट एक हैरानगी वाली बात सामने ये आई कि ये जो विमान था AN-32, ये 14 साल पुराना एक आउटडेटेड SOS सिस्टम यूज़ कर रहा था। SOS सिस्टम अगर आपको बताना चाहूँ तो क्लियर लैंग्वेज में वो चीज़ होती है जहाँ से बताया जाता है, एक सिग्नल भेजा जाता है किसी भी इमरजेंसी में बेस तक। तो ये जो विमान है ये 14 साल पुराना SOS सिस्टम इस्तेमाल कर रहा था और साथ ही साथ जैसे ही इस विमान ने टेक ऑफ किया उसके कुछ ही क्षणों के बाद ये जो रडार का जो कवरेज होता है उससे एकदम से गायब हो गया। काफ़ी सारे इस विमान में लोग थे, काफ़ी सारे हमारे सैनिक थे और उन सब का आज की डेट में कुछ भी पता नहीं है। कोई भी सर्च ऑपरेशन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगर मैं बोलूँ तो वहाँ के लोकल से बात करी मीडिया वालों ने, इनफैक्ट वहाँ के लोकल से जो इन्वेस्टिगेशन चली, जो पूछताछ हुई, उसमें पता चला कि जब ये विमान टेक ऑफ हुआ और जब थोड़ी देर में गायब हो गया उसके बाद वहाँ के आसपास के लोकल गांव वालों ने एक डार्क ब्लैक कलर का धुआं आसमान में उड़ता हुआ देखा। तो एक तरीके से माना जा रहा है कि शायद कहीं ये क्रैश हो गया, लेकिन जब तक इसका कोई प्रूफ नहीं मिल जाता कि ये क्रैश हो चुका है तब तक सर्च ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अंधेरे में बालाकोट एयर स्ट्राइक के मरे हुए आतंकवादी गिनने वाले अमित शाह और हमारी गोदी मीडिया जो है वो भी इस विमान को, वो भी AN-32 हमारे भारतीय वायुसेना के इस विमान को ढूंढने में एक तरीके से नाकामयाब हो रही है। लेकिन दोस्तों जितनी स्पीड से मुझे लगता है कि हमारे देश की इकोनॉमी गिर रही है उससे भी ज़्यादा स्पीड से हमारे गोदी मीडिया का IQ लेवल गिरता जा रहा है। गोदी मीडिया का IQ लेवल इसलिए मैं यहाँ पर बात उठा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि गोदी मीडिया ऐसे घटिया और बेवकूफ़ी भरे लॉजिक हमारे सामने लेकर आ रही है जिसका कि कोई जवाब ही नहीं है। दोस्तों रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रही है सारे सोशल मीडिया पे और उस वीडियो में साफ साफ एक गोदी मीडिया चैनल का एक एंकर ये बात बोल रहा है कि इस विमान को एलियन लेके चले गए। ज़रा आप देखिए इस छोटी सी वीडियो क्लिप को जो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। रिपोर्ट की रहस्यमय तरीके से एक विमान के लापता होने की पूरी कहानी बताएंगे आपको। हिंदुस्तान के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिससे पूरी दुनिया हैरान है, हर कोई परेशान है और पूरा सिस्टम हलकान है। मामला इंडियन एयरफोर्स के एक विमान के लापता हो जाने का है। विमान के लापता होने के 4 दिन बाद अब तक कोई भी उसका सुराग किसी को नहीं मिल पाया है। शायद उस विमान को एलियन ले गए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, इंडियन एयरफोर्स के लापता विमान को शायद एलियन ले गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 दिन से पूरा सिस्टम उस लापता विमान को तलाशने की कोशिशों में लगा है लेकिन अब तक रत्ती भर भी सुराग किसी के हाथ नहीं लगे हैं। अब ऐसे में उस विमान को आसमान ने तो नहीं निकला होगा, धरती ने तो खुद में उसे समाहित नहीं किया होगा, समंदर ने तो उसे खुद में समाया नहीं होगा। तो फिर क्या लगता है, यही तो एक वजह है जिससे अटकलें लगने लगी हैं कि क्या एलियन ले गया विमान। तो दोस्तों देखा आपने ये छोटा सा वीडियो क्लिप जहां पर गोदी मीडिया का, जी हिंदुस्तान का एक एंकर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वायुसेना का जो विमान था AN-32 उसको एलियंस उठा के लेके चले गए जस्ट बिकॉज वो गोदी मीडिया का एक एंकर है और लॉजिक जाए पर भक्ति ना जाए, इस ट्रैक पे ये लोग काम करते हैं, इस ट्रैक पे ये लोग चलते हैं। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ये एंकर आपको ये प्रूव करने में, ये समझाने में लगा हुआ है कि इस वायुसेना के विमान को एलियन उठा करके लेके चले गए। दोस्तों इतना घटिया और इतना भद्दा लॉजिक लिटरली हमने आज तक कहीं नहीं सुना होगा। गोदी मीडिया वैसे तो बिल्कुल इलॉजिकल बातें करती है, बेवकूफ़ी भरे बातें करती है, इमेच्योर बातें करती है, लेकिन ये उस लॉट में से सबसे ज़्यादा इमेच्योर और इलॉजिकल स्टेटमेंट है। अब दोस्तों आखिरकार ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया को अपने जो TRPs हैं उनके लाले पड़ चुके हैं। गोदी मीडिया के पास TRPs के लिए कुछ भी चीज़ बची नहीं रह गई है। गोदी मीडिया के पास उनके जो इंसेंटिव्स थे वो काट दिए गए हैं। गोदी मीडिया की TRPs लिटरली नीचे जा रही हैं अपोजिशन के स्टेप्स से कि कोई भी पैनलिस्ट उनके डिबेट डिस्कशन में नहीं जाएगा। इससे उनका भारी नुकसान हो रहा है, उनको पैसों का नुकसान हो रहा है, उनको प्रोपोगंडे का नुकसान हो रहा है, उनको व्यूअरशिप का नुकसान हो रहा है। तो इस सब के नुकसान की वजह से गोदी मीडिया इस टाइम वापस उस दौर में आ चुकी है। मुझे अच्छे से याद है एक दौर था और ये गोदी मीडिया के चैनल ही थे उस टाइम पे भी
जो उस दौर में भी ऐसी ऐसी खबरें दिखाते थे कि सांप ने दूध पिया और नाग पंचमी की और उसके बाद किसी गली में भूत भटक रहा है, इस तरीके की खबरें दिखाते थे, अच्छे से मुझे याद है। और ये बात बहुत पुरानी बात नहीं है दोस्तों, ये बात है 2002-2003 के आसपास की बात है। उस टाइम पे गोदी मीडिया चैनल्स, इनफैक्ट 2010 तक भी मुझे अच्छे से याद है कि इंडिया टीवी फेमस था इस चीज़ के लिए कि वो उल्टी सीधी भूत भगाओ वाली खबरें दिखाता था और इस तरीके से अपनी टीआरपीज बटोरता था। आज की डेट में जो इंटेलेक्चुअल जर्नलिज्म की बात करते हैं, जो सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो अभी से ठीक 10 साल पहले तक भी भूत भगाओ वाले शोज रात को दिखाता था और यकीनन उसी दौर में वापस जाता हुआ नजर आ रहा है गोदी मीडिया। मैंने इलेक्शन खत्म होते ही ये बात उठानी शुरू कर दी थी कि अगला जो मेरा टारगेट होगा वो इस गोदी मीडिया के अगेंस्ट होगा, क्योंकि इस गोदी मीडिया ने जितना गंद मचाया इस देश में, मुझे लगता है कि शायद उतना गंद मोदी जी ने भी नहीं मचाया होगा। तो लिटरली हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि ऐसी मीडिया के अगेंस्ट पूरी एक ड्राइव चलाई जाए। और इसीलिए मैं रोज कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने इस घटिया गोदी मीडिया का चेहरा उजागर करूं, जिससे आप लोग ऐसी मीडिया चैनल्स को देखना कृपया बंद करें। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और देखिए ट्रिक कैसे करते हैं आपको ये चैनल्स, ये टीवी पे दिखाते थे अपने आपको, आपने टीवी पे टाटा स्काई बंद कर दिया, एयरटेल बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, डिश टीवी केबल नेटवर्क आपने बंद करा दिया। लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया, नई स्ट्रैटेजी निकाली, इन्होंने वही चीज़ें जो ये टीवी पे दिखाते थे उसकी छोटी छोटी वीडियोस निकाल कर, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी टीम है, इनके पास ह्यूज टीम है, बड़ी एक्सटेंसिव टीम है, तो इन्होंने अपनी टीम बिठाई वहाँ पे और जो टीवी पे दिखा रहे थे, जो टीवी पे गंद भर रहे थे लोगों के दिमाग में, उसी की छोटी छोटी क्लिपिंग्स बना के आज तक वाले, अगर मैं खासकर से बात करूँ आज तक वालों की, तो अपने अलग अलग चैनल्स से लोगों तक वायरल करने की कोशिश करते हैं। अब वायरल कैसे होती है और इनकी वीडियो को व्यूज़ क्यों मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जैसा छोटा सेटअप नहीं है इनके पास, हमारे जैसा लो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इनके पास कि अकेले ही सारे काम कर रहे हैं, इनके पास एक चीज़ के लिए 10-10 लोग हैं, इन्होंने ज़्यादा लोग भर रखे हैं इसीलिए, सिर्फ और सिर्फ कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगंडा अपना फैला पाएँ, हर जगह अपनी कवरेज दे पाएँ। तो इसलिए सोशल मीडिया पे भी अपना जो ये गंद फैलाते थे टीवी पे, उसकी छोटी छोटी क्लिपिंग्स निकाल के ये आपके सामने यूट्यूब पे दिखाई दे जाती हैं। और आप लोग भी प्लीज़ इनके ट्रैप में मत आइए, इनके जो थंबनेल्स होते हैं वो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, जहाँ पर लिखा होता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करी जाती है कि ओवैसी ने ये कहा, अंजना ओम कश्यप ने ये कहा, इस तरीके का एक थंबनेल बना के आपको दिखाया जाता है। तो प्लीज़ डोंट फॉल फॉर दैट थंबनेल, क्योंकि वो थंबनेल सिर्फ और सिर्फ एक क्लिकबेट है, वहाँ पर से सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है और एक तरीका होता है आपका व्यू अपनी तरफ लेकर आने का, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। तो प्लीज़ इनके ट्रैप में मत फंसिए, खासकर से इस कैटेगरी में मैं डालना चाहूँगा आज तक को, क्योंकि आज तक के इतने सारे चैनल्स यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आज तक का अपना मेन चैनल है, उसके बाद एक मोबाइल तक आता है, उसके बाद एक न्यूज़ तक आता है, यूपी तक, मध्य प्रदेश तक, टेक तक, और पता नहीं कितने तक 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 इनके बहुत सारे आते हैं जो कि आपको पूरी तरीके से अपने चंगुल में फंसाने के चक्कर में रहते हैं। और यही वो चैनल्स हैं जिनके थ्रू ये सोशल मीडिया पे अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने में लगे हैं, और यकीनन दोबारा वो दौर लेकर आने वाले हैं अपने चैनल्स के ज़रिए, जहाँ पर हर शाम को भूत भगाओ वाली बातें होती थी, हर शाम को नाग को दूध पिलाने की बातें होती थी, हर शाम को कोई अल्लादीन में से जिन में से चिराग निकलता था, इस तरीके की बातें करी जाती थी, वो दौर वापस लाने के पूरे पूरे फिराक में है गोदी मीडिया, क्योंकि दोस्तों इस गोदी मीडिया के पास अब कोई भी चारा नहीं रह गया अपने आप को बचाने के लिए। तो दोस्तों ऐसे लॉजिक से दूर रहिए, और मुझे लगता है कि इन ये लोग पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं, जो हालत इनकी अब आज की डेट में हो चुकी है, शायद ही उससे बुरी हालत किसी और की हो इस टाइम पर हमारे देश में, और आने वाले समय में ये और ज़्यादा बेनकाब होंगे, और ज़्यादा एक्सपोज होंगे, और यकीनन इनके जो हालात हैं वो लगातार नीचे 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 गिरते जाएंगे। अब चाहे आप धोनी का बलिदान ग्लव देख लीजिए या फिर ये एलियन वाली खबर देख लीजिए, हर जगह आपको ये दिखाया जाएगा, पूरी की पूरी तरीके से प्रोपोगंडा या तो हिंदुत्व का फैलाया जाएगा या नेशनलिज्म का प्रोपोगंडा फैलाया जाएगा। तो इस प्रोपोगंडा से बचिए, और पूछिए इन गोदी पत्रकारों से, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे हैं ही और अभी देख ही रहे हैं आप लोग इनको, तो पूछिए प्लीज़ इन गोदी पत्रकारों से कि अब AN-32 हमारे भारतीय वायुसेना का वो विमान जो पता नहीं कितने दिन से गायब है, लापता है, उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे ये लोग, अंधेरे में जाके बालाकोट एयर स्ट्राइक के मरे हुए आतंकवादी गिनकर लेकर आ गए थे अंजना ओम कश्यप, संबित पात्रा, रोहित सरदाना,
इस तरीके के पत्रकार सुधीर चौधरी, वो पत्रकार आज AN32 को क्यों नहीं ढूंढ कर लेकर आ पा रहे हो? दोस्तों, बड़ा सवाल यही निकल कर खड़ा होता है कि आखिरकार ये पत्रकार जब ऐसी चीज़ करते हैं, जब इस तरीके से बायस जर्नलिज्म करते हैं, तो उसका हमारे देश पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे देश की जनता के ऊपर, हमारे देश के ऊपर कितना बुरा और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ, जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच पाए। अगर आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि इस गोदी मीडिया को ख़त्म करने का या इसको पूरी तरीके से बेनकाब करने का क्या सही रास्ता हो सकता है, क्या कंक्रीट वे हो सकता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस बारे में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।